अभी आप लोग कर रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? प्रमाण तो यह है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये प्रमाण है। पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया। तो पूरे देश में वृद्धि हुई है, बिहार में भी वृद्धि हुई है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइएगा कि ये मेरी उपलब्धि है तो ये उचित नहीं है। उन्होंने एक बात को बार बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, क्या होता था, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से बदतर हालत है, मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का, उसमें नौकरी के मामले में 1% भी नौकरी नहीं है, 0.94। आखिर जिम्मेदार कौन है? आप चेयर पे आप हैं 15 साल, 18 साल, 19 साल से, और जो रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, आपका रिपोर्ट बता रहा है। उत्तर प्रदेश का क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूरे देश में वृद्धि हुई है, बिहार में भी वृद्धि हुई है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइएगा कि ये मेरी उपलब्धि है तो ये उचित नहीं है। उसी तरह उन्होंने कई बातें कही, हम सब बातों को चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात को बार बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, क्या होता था, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। लेकिन अभी इनका जो जातिगत आंकड़ा आया है सामने, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से बदतर हालत है, मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का, उसमें नौकरी के मामले में 1% भी नौकरी नहीं है, 0.94। आखिर जिम्मेदार कौन है? शिक्षा के मामले में जो ग्रेजुएट होते हैं, आज 6 से 7% केवल ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में। आप गरीबी रेखा के नीचे बसे जीवन बसर करने वाले लोगों को ही देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सबसे बदतर हालत है, 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। कौन है जिम्मेदार? आप चेयर पे आप हैं 15 साल, 18 साल, 19 साल से, और जो रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, आपका रिपोर्ट बता रहा है। फिर आप कहते हैं हमने ये किया वो किया, इसीलिए मिसगाइड नहीं करना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। और एक बात वो बोल रहे थे जिसको हम लोग सुन रहे थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग कर रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? प्रमाण तो यह है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये आप बताइएगा। ये प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया, आपको जवाब देना, उल्टा आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का अनावश्यक बातें हाउस में कम से कम अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरे 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 बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को ले लिया गया उधर, किस तरह से लिया गया, ये इस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। चलिए हम आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले 19-20 सालों से अध्यक्ष महोदय,